गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज विकास अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम आज एक ऐसी सीरीज लेकर के आए हैं जिसके थ्रू आपको वन बाय वन सारे स्टेट के गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्योंकि जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका अल्टीमेटली गोल एक ही होता है कि आपको एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो अगर आपको अच्छा सा मेडिकल कॉलेज लेना है तो सबसे पहले आपको पता तो हो कि आपके स्टेट में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो उसके लिए हम ये सीरीज लेकर के आए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने स्टेट वाइज अपनी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट जो सबसे ऊपर आता है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 7 से 8 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं जो कि गवर्नमेंट हैं। तो वन बाय वन मैं पहले उनका नाम बताऊंगा, फिर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले आता है जीएमसी श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि श्रीनगर में है। दूसरा आता है जीएमसी जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि जम्मू में सिचुएटेड है। तीसरा आता है शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि पौंच डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसके अलावा आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि अनंतनाग में सिचुएटेड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि राजौरी में सिचुएटेड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि बारामूला में सिचुएटेड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि कठुआ में सिचुएटेड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि डोडा में सिचुएटेड है। तो इसे मिलाकर के सारे 8 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक यहाँ पर 2022 में अभी खुला है एम्स जो कि विजयपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस हो गए। और इसके अलावा एक यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है जिसका नाम है आचार्य श्री चंदर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो कि जम्मू में सिचुएटेड है। तो ये सारे हमने पहले मेडिकल कॉलेजेस के नाम जान लिए, अब थोड़ी थोड़ी इनके हम इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि श्रीनगर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था 1959 में। ठीक है, यहाँ पर लगभग 180 सीट उपलब्ध हैं और यहाँ पर हर बार कट ऑफ 550 से अबव जाती है फॉर द जनरल कैटेगरी। तो ऑब्वियसली बाकी कैटेगरी की इससे कम कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की जो फीस है वो 1,00,000 से 1,10,000 तक जाती है। दूसरा आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि जम्मू में सिचुएटेड है। इसका स्टेबलाइजमेंट 1972 में हुआ था। यहाँ पर लगभग 180 सीट उपलब्ध हैं और हर बार यहाँ पर भी कट ऑफ 550 से अबव जाती है। अगर आप जम्मू कश्मीर के सारे मेडिकल कॉलेज का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार कट ऑफ यहाँ पर 550 से अबव जाती है फॉर द जनरल कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ की फीस, टोटल ट्यूशन फीस जो है वो 40 से 50,000 के बीच में आती है। तीसरा आता है शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि पौंच डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसका स्टेबलाइजमेंट 1998 में हुआ था। यहाँ पर लगभग 125 सीट उपलब्ध हैं और यहाँ पर फीस, टोटल ट्यूशन फीस 80,000 से 1,00,000 की फीस यहाँ पर होती है। ठीक, और यहाँ पर भी कट ऑफ 550 से अबव जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जीएमसी अनंतनाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि अनंतनाग में सिचुएटेड है। इसका स्टेबलाइजमेंट 2019 में हुआ था, मतलब कि ये अभी रिसेंटली स्टेबलाइज्ड मेडिकल कॉलेज है। और बाकी जो मैंने 3 बताए थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि जम्मू में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि श्रीनगर में है, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि पौंच डिस्ट्रिक्ट में है, ये तीनों मेडिकल कॉलेज पुराने हैं क्योंकि ये 2000 से पहले स्टेबलाइज हुए थे और ये 2019 में स्टेबलाइज है। इसका मतलब ये एक नया मेडिकल कॉलेज है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि अनंतनाग में सिचुएटेड है, इसका स्टेबलाइजमेंट 2019 में हुआ। यहाँ पर लगभग 100 सीट्स हैं और कट ऑफ यहाँ पर हर बार 550 से अबव जाती है और इसकी जो फीस है 40 से 50,000 के बीच में है टोटल ट्यूशन फीस। इसके अलावा आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि बारामूला में सिचुएटेड है। इसका भी स्टेबलाइजमेंट 2019 में हुआ। यहाँ पर भी टोटल 100 सीट्स हैं और यहाँ पर भी कट ऑफ 550 से अबव जाती है और यहाँ की भी फीस 40 से 50,000 के बीच में टोटल ट्यूशन फीस आती है। फिर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि कठुआ में सिचुएटेड है। इसका भी स्टेबलाइजमेंट 2019 में हुआ। यहाँ पर भी टोटल 100 सीट्स हैं और यहाँ पर भी कट ऑफ 550 से अबव जाती है और यहाँ की फीस भी 40 से 50,000 के बीच में आती है। फिर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि डोडा में सिचुएटेड है। इसका स्टेबलाइजमेंट 2019 में हुआ। यहाँ पर 100 सीट्स हैं और इसकी कट ऑफ 550 से अबव जाती है और इसकी फीस 40 से 50,000 के बीच में आती है। फिर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि राजौरी में सिचुएटेड है। इसका भी स्टेबलाइजमेंट 2019 में हुआ। टोटल यहाँ पर 100 सीट्स हैं और यहाँ की फीस 40 से 50,000 टोटल ट्यूशन फीस है और कट ऑफ यहाँ पर भी 550 से अबव जाती है।
तो ये टोटल 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ पर हैं, जिसमें से 3 पुराने हैं जो कि 2000 से पहले वहाँ पर स्टेबलाइज हुए, और बाकी सारे न्यू हैं जो कि 2019 में वहाँ पर स्टेबलाइज हुए, और फिर 2022 में, अभी रिसेंटली 2022 में वहाँ पर एक एम्स खुला है जो कि विजयपुर में सिचुएटेड है। ठीक, इसके अलावा वहाँ पर जो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये जम्मू में सिचुएटेड है। इसका स्टेबलाइजमेंट 1995 में हुआ और ये जम्मू में सिचुएटेड है। यहाँ पर टोटल सीट हंड्रेड्स हैं और यहाँ की फीस लगभग 29 लाख है क्योंकि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो ये सारे मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। मैं अपनी फटाफट सारी बातों को समराइज करता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, जीएमसी जम्मू, जीएमसी श्रीनगर, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि पहुंच में है, इसके अलावा बाकी सारे भी जीएमसी हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। बस आपको ध्यान रखना है अनंतनाग, बारामूला, पटुआ, डोडा, राजौरी, और इस तरह से ये 5 मेडिकल कॉलेज जीएमसी हैं। एक यहाँ पर एम्स है जो कि विजयपुर में है, और एक यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछना। इसी के साथ मैं विकास अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।